जय श्री राम। इस बार अर्ध कुंभ लग रहा है प्रयागराज में। हिंदू धर्म में कुंभ मेला और उस दौरान होने वाले शाही स्नान का अपना एक खास ही महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि शाही स्नान करने वाले व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस बार 15 जनवरी से 4 मार्च तक कुंभ मेला का आयोजन हो रहा है। कुंभ मेला हर 12 साल में आता है और दो बड़े कुंभ मेलों के बीच आने वाले कुंभ को अर्ध कुंभ कहा जाता है। इस बार साल 2019 में आने वाला कुंभ दरअसल अर्ध कुंभ ही है, लेकिन जिस प्रकार से इस अर्ध कुंभ मेले की तैयारियां चल रही हैं, उसे देख करके यह कहा जा सकता है कि यह पूर्ण कुंभ मेले की तरह है। फल की दृष्टि से देखा जाए तो यह अर्ध कुंभ है, लेकिन अगर देखा जाए भव्य रूप में जो मनाया जा रहा है, इसको देख करके पूर्ण कुंभ जैसा एहसास हो रहा है। आइए जानते हैं 2019 कुंभ मेले की शाही स्नान की तारीखों के बारे में। सबसे पहला स्नान है 14 से 15 जनवरी का 2019 में, क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति है और इस दिन पहला शाही स्नान है। 21 जनवरी 2019 को पौष पूर्णिमा का स्नान है। 31 जनवरी 2019 को पौष एकादशी का स्नान है और 4 जनवरी 2019 को मौनी अमावस्या, जिसे हम मुख्य शाही स्नान कहते हैं, दूसरा शाही स्नान भी कहते हैं, इसी दिन है, यानी कि 4 फरवरी को। 10 फरवरी 2019 को वसंत पंचमी यानी कि तीसरा शाही स्नान है। 16 फरवरी 2019 को माघी एकादशी का स्नान है। साथ ही साथ 19 फरवरी 2019 को माघी पूर्णिमा का स्नान है और 4 मार्च 2019 को महाशिवरात्रि का स्नान है। कुंभ मेले में स्नान का ही महत्व नहीं है, उस पावन धरती पर जाकर के कथा श्रवण करना और उस पावन धरती पर जाकर के दान पुण्य करना, लोगों की मदद करना, इसका विशेष महत्व है। साथ ही साथ स्नान का भी महत्व है और इसके लिए हमारे सबसे प्रचलित ग्रंथ रामायण में भी वर्णन मिलता है, जो कि आप सभी पढ़ सकते हैं। बालकांड में लिखा हुआ है, भारद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा, तिन्ह ही राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज मुनि जी प्रयागराज में बसते हैं, जिन्हें श्री रामचंद्र जी का अनुराग प्राप्त है, यानी कि वो बहुत प्रिय हैं। श्री रामचंद्र जी जिनको बहुत प्रिय हैं। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। यानी कि माघ मकर गत रवि जब होते हैं, तब तीरथ पति यानी कि तीरथ के जो राजा हैं, सभी तीर्थों के राजा हैं, सभी तीर्थों के जो स्वामी हैं, सब आ जाते हैं प्रयागराज में। सबकी उपस्थिति होती है वहां पर। देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मज्ज ही सकल त्रिवेणी। यानी कि देवता दनुज किन्नर नर नारी जो भी हैं, जीव जंतु सभी आ जाते हैं प्रयागराज में, त्रिवेणी में। त्रिवेणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीन नदियों का संगम है प्रयागराज में। पूज ही माधव पद जल जाता, परसी अक्षय बट हर्ष ही गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहां होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्ज ही प्रात समेत उछाहा, कहि परस्पर हरि गुण गाहा। यानी कि वहां पर कथा सुनाने का, सुनने का और कथा श्रवण के साथ साथ दान का अपना अलग महत्व है। खास करके माघ महीने में अपने पूरे जीवन को आप सार्थक बनाना चाहते हैं और जीवन को पीसफुल बनाना चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, तो सबसे अच्छा महीना है माघ महीना। इस महीने में आप जा करके इस बार अर्ध कुंभ का स्नान करें और पूर्ण रूप से अपने घर में धन धान्य और शांति का आगमन करवाएं, यानी कि आपको आरोग्य के साथ साथ धन संपत्ति क्लेशों से भी मुक्ति मिल जाती है प्रयागराज के स्नान से। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए प्रयागराज की महिमा से रिलेटेड। अगले एपिसोड में आप सभी के लिए लेकर के आएंगे कुछ और नई जानकारी, जिससे कि आप सभी अवगत होते रहें। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि ऐसी और रोचक जानकारियां आप सभी के लिए जब भी हम लेकर के आएं, बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में। जय श्री राम।